क्योंकि जो हमारे जो लोक अदालत हैं एज पर द शेडूल डलसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो एक शेडूल है एक्चुअली ये नलसा का भी एक शेड्यूल होता है बाबातः तौर पर इसका एक प्री सेशन आज है और कल ये मुनदद होने जा रही है चूँकि लोग जो अदलस का जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि हम पूरी तौर पर कि जो ये ग्रेवेंसिस है चाहे वो वाटर बिल्ज हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल्ज हो या मेट्रामल जो मामलात हैं या कंपाउटेबल जो कुछ केसेस भी होते हैं या चेक रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं या बी जो भी मैटर्स वग़ैरह होते हैं इनको हम इफ हम तफीम किए हल करें क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ा फायदा है इसमें एक तो यह है कि फोरी तौर पर इन जो मसलों का इजाला किया जाता है नंबर वन नंबर दो जो इसमें मसला है वो ये है जो इसमें बड़ा मकसद है कि हम जो टेक्निकलिटीज़ है जो कानून की जो टेक्निकलिटीज़ है उनको हम यक्सो छोड़कर यक्सो छोड़कर एक टेबल पर एक बार बारगेनिंग का माहौल होता है लोक अदालत में एक बारगेिंग का माहौल होता है और जो प्रज़ाइडिंग ऑफिसर वो बैसे जज नहीं होता है बल्कि एक चेयरमैन एक हम कहेंगे जो एक फ़ैसला कन होता है वो इसमें जो ये इफहमाम तफीम के ज़रिए ये मामले हल करते और यही मुदा मकसद होता है एक मीडिएशन के ज़रिए एक अफहमो तफीम के अमल के ज़रिए हम जब कोशिश होती है लोक अदालत की कि हम लोगों को फायदा पहुँचाएं और मसलों को पूरी तौर पर इफ़ाम तफहीम के जरिए हल किया जाए देखिए आपने कहा कि कुछ जो लोग हैं जो इस जमरे में आते हैं बी पी एल के वगैरह हाँ अगर इनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है या इनकी जो बी एस एन एल या वाटर बिल्स है देखिए इसीलिए जो हमने कोर्ट में जो लोक अदालत का जो फ़ायदा जो मकसद है ऑर्गेनाइज़ करने का वो ये है अगर फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि, कि किसी को जो बिल है वन लैख है ठीक है तो इफाम तफ़ीम की के ज़रिए उसको कोर्ट में तकरीबन हम मतलब पच्चीस हज़ार या बीस हज़ार तक हम करते हैं। वो भी इंस्टॉलमेंटों में ठीक है और इसी तरह जो वाटर बिल है अगर उसमें उसको पंद्रह हज़ार या बीस हज़ार है इफ़ामो तफहीम के ज़रिए जिस पर एक बार्गेनिंग होती है एक बारगेनिंग सेशन होते है तो वो वो कहता कि नहीं मैं जनाब मेरी जो पोजिशन है मेरी जो इकनॉमिक है वह पाँच हज़ार देने के लिए तैयार तो वही होता है एक इंस्टॉलमेंट में ज़रिए तो ये जो राहत है ये जो बेनिफिट है और ये जो फ़ायदा मिलता है मतलब लोग लालच से इन लोगों को हाँ ये खासतर इन लोगों के लिए ये है और मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हमें जो लोकलत है हमें इसका जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो फ़ायदा होना जो हो हमें फ़ायदा लेना चाहिए नंबर एक नंबर दो हमें जो केसेस हैं कभी कभार जो टिकलिटी को यकसो छोड़ कर जो जब्ता है बाजबतर उसको यकसो छोड़ कर हमें फ़ायदा लेना चाहिए अपनी जो बिल्ज है या वाटर बिल्ज है या बी एस एन एस बिल्ज है या कुछ ऐसे भी मामला है जो अजदवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड है हमें आगे आना चाहिए और बारगेनिंग होनी उसमें जो बाइफा मुताफीम के ज़रिए से हल करने चाहिए ये सबसे बड़ा मतलब एक मैसेज है और फायदा भी है सोसाइटी के लिए